जिसमें लिखा है कि 70,000 उलमा दज्जाल के हाथ पर बैत करेंगे, तो मालूम यह हुआ कि दज्जाल कोई मजहबी शख्सियत होगा। अब अगर मौलवियों को पता हो कि ये दज्जाल है तो उसके हाथ पे बैत करेंगे। अब जब ये मौलवियों को ये हुआ ना कि अरे यार हदीस में आ गया है 70,000 उलमा दज्जाल के हाथ पे बैत करेंगे, इस हदीस ने तो मौलवियों की खटिया खड़ी कर दी। अब उन्होंने कहा कि ये यहूदी उलमा के लिए कहा गया। अब उनको फिर ये हुआ कि अरे यार बात तो अधूरी रह गई। वो क्या यार, अगर शख्सियत मुसलमान है तो यहूदी उलमा उसके हाथ पे बैत क्यों करेंगे? तो फिर क्या किया उन्होंने, उन्होंने कहा कि भाई ये जो दज्जाल है ये यहूदी होगा। आजकल नया ट्रेंड लोगों में ये चला हुआ है कि ये जो यहूदियों का मसीहा है, मसाया, ये दज्जाल। यार खुदा का खौफ करो, तुमने उसको दज्जाल बना दिया है, यहूदियों का जो मसीहा है। अहादीस में लिखा है कि हर उम्मत में एक दज्जाल भेजा गया, मेरी उम्मत में भी दज्जाल आएगा। अबे जब हमारी उम्मत में दज्जाल आएगा तो वो मुसलमान होगा ना, यहूदी क्यों होगा?